अब अंदर की तरफ चल रहे हैं। सारा कुछ अम्बेडकर पार्क का जो है वो आपको सीन दिखा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको, और यहाँ पे शायद कुछ फैमिली वैमिली सामने बैठी हुई है और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लोग में सारा कुछ मार्बल का रखा हुआ है, तो इसका प्रवेश द्वार और निकास द्वार हम देखते हैं कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी अब गर्मी बढ़ रही है और चलिए, धूप तो तेज़ी है। हालांकि मुझे सुबह की तरफ आना चाहिए था मगर सुबह तरफ नहीं आ पाया, क्योंकि इसके लिए सॉरी यार, क्योंकि तो सुबह तो नहीं आ पाया क्योंकि सुबह तक ट्रेन में थे, सफ़र कर रहे थे और अब आए हैं। तो यहाँ पे आज हम सारा कुछ दिखाते हैं आपको, एक एक व्यू ले करके। कपल बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा इन लोगों को डिस्टर्ब ना हो, इस चक्कर में इनका भी ख्याल रखना पड़ेगा हमको। और धीरे धीरे हम आपको सारा पूरा व्यू दिखाते हैं जो अम्बेडकर नगर जो अम्बेडकर पार्क का है। और इस तरफ ये एक फव्वारा हमारे पीछे बना हुआ है और सारा कुछ है इस तरफ। सामने की तरफ दिखाते हैं हम आपको, ये रहा पीछे की तरफ हमारे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पीछे हैं घूमने लायक हैं, बहुत सारी चीज़ें। और हमने आपको यहाँ घुमाने के लिए बोला था, वो हम यहाँ हम आपको घुमाएंगे और दिखाएंगे भी। अभी ऊपर जाएंगे, ठीक है, ये सीढ़ियाँ गई हुई हैं मेरी तरफ से। और फिर हम ऊपर का व्यू जो दिखाते हैं वो ये सारा है, ऊपर जा कर के दिखाते हैं ऊपर क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। दोस्तों चलते हैं अब ऊपर की तरफ, सारा कुछ हम ऊपर की तरफ दिखाते हैं और जो भी है। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और आपको हम दिखाते हैं ऊपर क्या क्या है क्या नहीं है, आज सारा कुछ दिखाएंगे और आप भी देखोगे कि क्या है। लग रहा है कुछ काम वाम चल रहा है, तो यहाँ पे बांस और बल्ली लोहे के जो हैं वो एंगल लगे हुए हैं, जो काम चलते हुए आप भी देख सकते हो पीछे की तरफ काम चल रहा है, ठीक है। जो लोहे के कुछ बांस और थोड़ा घेराव करके लगा हुआ है गेटेड पे, तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं इस टाइम पे पर्यटक स्थल पे। ये रहा जहाँ पे है, ये हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सारा कुछ वाओ क्या शानदार है, रात में आने पे तो नज़ारा कुछ और ही होगा और शाम के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे ये देखिए। अब हम ऊपर की तरफ आ गए, प्रवेश वर्जित स्मारक। यहाँ पे देखो कुछ संदेश लिखा हुआ है, प्रवेश वर्जित स्मारक कार्य प्रगति पर है, ठीक है। जो चेतावनी यहाँ पे दी गई है क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है, तो उस काम को लेकर के यहाँ पे चेतावनी हमको दी गई है कि यहाँ पे प्रवेश वर्जित है। तो फिर भी हम प्रवेश वर्जित है मगर हम आपको दिखा सकते हैं, घूमवा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। सारा कुछ हम आज आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी। यहाँ पे एक हमारा ये स्थल जो है वो भी नीचे को जाता है इस तरफ है, ठीक है, जो आपको हम दिखाते हैं। ये हमारी जो सीढ़ियाँ हैं जो नीचे की तरफ से हैं, नीचे को एक जाती हैं और एक आगे की तरफ जाती हैं, सारा कुछ। और मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं है।
जो ये मेरी तरफ पीछे की तरफ देखे, पीछे की तरफ बहुत सारा चीज़ें हैं। ये बड़ी अच्छी नक्काशी जिसकी हुई है, देखिए कितना अच्छा व्यू है। कसम से माय गॉड, यहाँ घूमने का और जो तरीका, बड़ा आनंद आ गया मुझे। यहाँ पब्लिक तो कम है, ठीक है, बाकी घूमने का जो स्थल है बहुत बढ़िया है। और तो यहाँ पे अपने आ चुके हैं, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारी तरफ, ये कुछ बना हुआ है, क्या है अब इसके अंदर में हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो ये भी एक गेट है, जो हम पहली तरफ से हम आगे की तरफ से घूम घाम के आए हुए हैं, जो घूम के ना आने की जगह से जो हम यहाँ से भी अंदर आ सकते थे, एक दाखिल होने का ये भी एक रास्ता है। मतलब इधर से भी था एक रास्ता, जो नीचे से हम पहले इस तरफ से आए हुए थे और नीचे से गए थे इसके जाने का। और हमने क्या, हम आगे से घूम के आए उस तरफ से, जिस तरफ से मेन जो सीढ़ियाँ दिख रही थी, हम उस तरफ से आए। एक रास्ता यहाँ से भी, जो यहाँ से भी आप अंदर आ सकते थे और देख सकते थे आकर के। बाकी ये चीज़ मुझे नहीं पता था जो मैंने अभी देखी है, क्योंकि गेट तो दिख रहा था, बाकी ये नहीं पता था कि ये भी स्थान और ये भी मतलब। ये रहा अपना जो गेट था, जो अपना आ चुके हैं, और हवा भी बहुत बढ़िया चल रही है इस टाइम पे। और सारा कुछ, क्योंकि ऊपर काम चल रहा था तो ऊपर की तरफ हम गए नहीं, और ऊपर की तरफ अभी जाने का कोई मतलब भी नहीं था। मैंने कहा पहले एक तरफ से पूरा व्यू मैं आपको नीचे का दिखा देता हूँ, क्या है क्या नहीं है, सारा व्यू आपको हम दिखा रहे हैं। और पहले आप नीचे का व्यू देख लीजिए, उसके बाद में फिर हम आपको ऊपर का व्यू दिखाते हैं कि क्या है। हर जगह पे एक नई सी नई चीज़, एक अद्भुत चीज़ यहाँ पे बनाई गई है, क्योंकि दिल तो यही कर रहा है कि बस अब तो मैं यहीं का वासी हो जाऊं, कहीं ना जाऊं, क्योंकि इतना अद्भुत बनाया गया है। जो ये यहाँ पे आए पूरी तरीके से, पूरा ये पीछे का मेरा है प्रवेश द्वार, आगे था सामने की तरफ, और ये तो सामने की तरफ मेरा मेन पॉइंट था जिधर से हम आए थे प्रवेश द्वार। और पीछे की तरफ ये सारा चीज़ें हैं जो ये बना हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि अभी एक हमारा ये ख़त्म नहीं हुआ चीज़, पीछे दूसरा एक मेरे नज़रों के सामने आ जाता है, वो ये रहा। जो ये भी घूमने वाली बहुत बढ़िया चीज़ है, चीज़ सामने है मेरे, जो दिल तो वहाँ भी जाने को कर रहा है कि हाँ यहाँ भी हम जाएं और यहाँ भी हम देखें कि ऐसा क्या है वहाँ पे भी, क्योंकि बहुत अद्भुत बना हुआ है। जितनी इसकी विशेषताएँ हैं, जो जो भी चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें जोड़ी गई हैं यहाँ पे और बनाई गई हैं। देखिए कितना अच्छा और अद्भुत, संगमरमर का रूप में पत्थर है पूरी तरीके से, हर तरीके से जो यहाँ पे दिया गया है, और सारा कुछ बढ़िया तरीके से। ये देखो पत्थर, वाव, ये देखो पत्थर। यार कभी कभार ऐसा लगता है ना, जैसे बाहुबली की मूवी की जो शूटिंग जो हुई थी, या बाहुबली के वहाँ पे हम आ गए थे, तो ये वो है। तो ये देखो, ये हमारा जो निकास जो हमने दिखाया था आपको, जो नीचे की तरफ जाता है और हम ऊपर की तरफ आए हुए हैं, ठीक है। ये हम दिखाते हैं, जो अभी हमने जहाँ से आपको दिखाया था ये उसी तरफ को जा रहा है, वो ये वही निकास है, सेम निकास है और स्थान वही है, ठीक है। हम पूरी तरीके से आपको हम दिखा देते हैं और जगह को, क्योंकि आपको लगे नहीं ये यार बारम्बार दिखा रहे हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये हमारा निकास है, और वही निकास ये हमारा ऊपर की तरफ जाता है सीधे, और चलते हैं ऊपर की तरफ दिखाते हैं। तो मैं ऊपर की तरफ आ रहा हूँ और यहाँ आ चुके हैं, यहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे कारीगर जुटे हुए हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो भी बैठे हुए हैं। मैं आपको अभी कारीगर से भी दिखाता हूँ। ये देखो पूरा व्यू है, जो पीछे ये भी है सारा कुछ,
और ये भाई साहब जो बैठे हुए हैं अपने कारीगर भाई साहब बैठे हुए हैं सीढ़ियों पे, जिनको भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आ तो गए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, घूमने का भी रौनक कुछ हो रही है, अपना रुतवा है अलग ही। हालांकि यहाँ पे भी देखो सारा कुछ लिखा हुआ है, चेतावनी जो मैंने आपको मेन गेट पे दिखाई थी वही चेतावनी यहाँ पे लिखी हुई है। हर जगह चेतावनी लिखी हुई, क्योंकि काम चल रहा है, काम की वजह से यहाँ पे चेतावनी लिख रखी है कि कहीं कुछ चोरी चपारी या हालांकि चोरी चपारी तो नहीं यहाँ पे होगी, मगर कुछ चोट फेट ना लग जाए उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे चेतावनी दी गई है जो यहाँ पे लिखी हुई है। एक एक हमारा निकास ये है, अब ज़रा ये देखता हूँ ये निकास हमारा कहाँ को जाता है और किस तरफ को जाता है, ठीक है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये मेन निकास है अपना, जो एक ये भी है, मतलब दो निकास हैं आमने सामने, जस्ट सामने हैं। और मैं अब इस तरफ को जा रहा हूँ और आपको हम दिखाते हैं ये निकास हमारा आखिर जाता कहाँ पे, क्या है कि एक तो हमारा इसी निकास के अंदर एक ये गेट आ जाता है, पॉइंट आ जाता है, जैसे उसमें आया था उसी पॉइंट से हम घुसे थे यहाँ पे, सारा कुछ यहाँ पे है, ठीक है। ये बाहर का हमारा व्यू आ गया और हम अब अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर दिखाते हैं कि हमारा निकास जो भी है कि कहाँ पे है, ठीक है। ये हमारा जो भी अच्छा खासा है और दो निकास, चलो चलते हैं दिखाते हैं थोड़ा सा। सेम साथ इधर भी एक गेट बना हुआ है जो यहाँ पे निकास है जिस तरफ से हम जा रहे हैं। अब देखता हूँ क्योंकि पीछे की तरफ तो निकास देख ही लिया था, अब इधर देखते हैं क्योंकि पीछे कपल खड़े हुए थे तो वहाँ पे उनके सामने मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा बेफालतू में डिस्टर्ब हूँ या कुछ हो या कोई ऑब्जेक्शन उठाए, ठीक है, तो कहने वाला काम नहीं करना है हमको, क्योंकि किसी को ऑब्जेक्शन ना उठा सके। इधर सा रास्ता बंद कर जा सकते हैं इस तरफ से, जीना लगा करके सीढ़ी बना रखी है, डाल रखी है, ठीक है। ये था, ये रास्ता बंद कर रखा था यहाँ पे, जो सीढ़ी पता नहीं किस वजह से, शायद काम वाम चल रहा है उस वजह से डाल रखा है, और काम की वजह से इन्होंने सीढ़ी इधर रखी थी, इसकी वजह से रास्ता बंद था। और इधर से भी सारा कुछ एक ही जगह, मतलब दूसरी तरफ का ये व्यू है, इसका अपना ये है, ठीक है, सारा कुछ है, ठीक है, ये है लक्ष्य। और यहाँ पे सर थोड़ा सा अच्छी फीलिंग यहाँ पे आ रही है कि हद से ज़्यादा, और घूमने का जो रुतवा है एक अपने में जो जगता है कि हाँ घूमने का, वो यहाँ पे महसूस होता है कि हाँ हम घूमने आए, कोई एक अच्छी जगह आए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे आप आओगे पूरी तरीके से देखने का, जो पर्यटक जो मिलेगा आपको या जो चीज़ें मिलेंगी वो आपको कुछ और ही चीज़ें होंगी। चलो देखते हैं और भी जगह चलते हैं, शायद कुछ चीज़ें और हों, देखते हैं। आज 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 मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे पर्यटक की। ये पीछे की तरफ का मेरा है सीन, जो सब लोग बैठे पड़े हुए हैं, सारा कुछ कितना हरियाली और कितना अच्छा लग रहा है, अद्भुत। चलो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या है सारे कुछ चीज़ें। बैठे हुए हैं पीपल के नीचे हैं शायद, ये पीपल का वृक्ष लग रहा है मुझे, जिसके लोग नीचे बैठे हुए हैं। ये खजूर के अपने हो गए और ये अपना ये रहा, ये तो मुझे लग रहा है कि वाओ, ओ माय गॉड, कसम से ये देखो यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ जो है, हाथी,
कितने सारे हाथी बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे महाभारत के काल के दौरान हम आ रखे हैं यहाँ पे। मतलब महाभारत में जैसे युद्ध हुआ था हस्तिनापुर युद्ध पांडव और कौरव के बीच में, उसमें सबसे ज़्यादा हाथी लड़े थे युद्ध में, और वही एक विश्व का सबसे कहा जाता है जो विश्व का अपना विश्व युद्ध जो जितने हुए थे अपने दो विश्व हो चुके हैं, तीसरा अभी बकाया है। क्योंकि अगर वो विश्व युद्ध के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो हमारा विश्व युद्ध त्रेता युग में न जाने कितने युग में कई बार हो चुका है, क्योंकि एक बार राम ने लड़ा, एक बार कृष्ण ने लड़ा, और ऐसे ही अब शुरू हो गया यहाँ। क्योंकि यहाँ तो ऐसे ऐसे हाथी खड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे हाथी बने हुए हैं, जैसे लग रहा है कि ऑलरेडी बाहुबली की दूसरी बाहुबली 3 मूवी यहीं बन जाए। बहुत अच्छा लग रहा है घूमने में, वीडियो बनाने में। पीपल के नीचे आराम करते हैं चल के, क्या है क्या नहीं देखते हैं। ठीक है, ब्लॉग में ये पूछा हमारा और सारा कुछ ठीक है। चलिए सामने की तरफ चलते हैं। अभी जो मेन जो पॉइंट है, जो हाथियों का पॉइंट है, वाओ, आज हम आपको दिखाएंगे कि हाथी क्या है। अभी तक शायद हमने मूवियों में तो हाथी देखे हैं, इतने सारे हाथी वगैरह, ठीक है। रियलिटी में अगर देखा जाए तो हमने एक या दो हाथी देखे होंगे, और अगर पत्थर का भी कहीं बना हुआ देखा तो एक आध देख लिया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो मायावती ने जो बनवाया है, क्योंकि जब ये बना था मैं शायद छोटा था उस टाइम पर, लोगों ने ये कहा कर मैंने उस टाइम पर ये सुना था कि एक हाथी की कीमत कम से कम नहीं तो 85 लाख के करीबन में है एक हाथी की जो कीमत है, और अगर इसे बारूद से भी उड़ाया जाए तो उड़ना मुश्किल है, क्योंकि इतना ज़्यादा मजबूत ये बताया जाता है। अब वो तो आज जब मैं आया हूँ देखने के लिए तभी पता चलेगा क्या है, लोग यहाँ पे खाना ना खा। चलिए चलते हैं आगे भी, हम आपको दिखाते हैं सारे सारे। दिल तो कर रहा है यहाँ खूब आराम से, इतना बढ़िया ठंडा मौसम है कि बिछा के आराम से सोएं और लेटें, क्योंकि इतनी बढ़िया तरीके से जो फुलवाड़ी है ये अपने देखो पीछे पौधे लगे हुए हैं, पीछे की तरफ ये रहे हमारे, ठीक है, बहुत सारे हैं, ये इधर की तरफ हैं जो देख सकते हैं, आराम से फूल लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया रौनक हैं। चलो हम दिखाते हैं आपको, फूल दिखाते हैं। चीज़ है यार अंबेडकर पार्क, यूँ ही नहीं कहते अंबेडकर पार्क, देखो क्या हरियाली है और कितने खूबसूरत फूल है, क्योंकि जितनी तारीफ़ इनकी करी जाए, क्योंकि ये देखो इतने बढ़िया इतनी खूबसूरती से फूल बने हुए हैं, और यहाँ पे भौरे भी मंडरा रहे हैं, जो कहते हैं ना कि भौरे गुनगुनाते हैं, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे रियलिटी में, क्योंकि अब उनको कैसे कैद करूँ क्योंकि अकेला मैं हूँ, और सारा कुछ यहाँ पे है हरियाली, ठीक है। और भी मैं आपको दिखाता हूँ छोटे छोटे, ये शायद हमारे यहाँ इसको कुछ नाम दिया जाता है, हमारे यहाँ ये खेतों में मतलब बोते हैं, घरों में भी होते हैं, कुछ बोलते हैं इसको, ये सफ़ेद फूल है जो हमारा, ये अच्छा फूल माना जाता है जो यहाँ पे हैं, ठीक है। और इसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया है, जैसे गुड़हल की होती है उसी रूप में, तो ये फूल हमारे यहाँ गाँव में पाए जाते हैं, इतना पर्यटक है, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हम इन फूलों को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसलिए नहीं तोड़ सकते क्योंकि अगर हम ही इन फूलों को तोड़ेंगे तो और भी लोग देख करके तोड़ेंगे, तो ये जितने भी फूल लगे हुए हैं सारे बर्बाद हो जाएंगे, तो वही चीज़ है ना कि जैसा हम करते हैं हम ही को देख करके लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। तो मेन सामने गेट के पॉइंट की तरफ फिर से हम आ चुके हैं, ये इस तरफ आते हैं, ठीक है, पीछे की तरफ इधर की तरफ हाथी बने हुए हैं, और इधर सामने की तरफ मेरे सामने
ये इस तरफ जो हम देख रहे हैं सामने, सॉरी इस तरफ जो सामने देख रहे हैं जिधर मेरा हाथ है, सामने वो एंट्री गेट है उस तरफ की तरफ। लोग वहाँ से आते हैं, टिकट विकट कटाते हैं और सारा कुछ है। और अब अंदर यहाँ पे भी प्रवेश द्वार है, अंदर जाते जा रहे हैं। अब अंदर क्या दे रखा है, क्योंकि यहाँ तो लोग जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ का तुम्हें दिखाता हूँ अंदर। तो अब यहाँ पे आ चुके हैं, ये सारा चीज़ आप देखते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं चल के हाथी, हाथी मेरा साथी जिसे कहते हैं भरपूर तरीके से। और अभी हम आपको थोड़ा सा हाथी दिखाने में थोड़ा सा समय देता हूँ, क्योंकि एक चीज़ मैंने अभी देखी है जिस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे स्तंभ तो सारे बहुत सारे हैं, तो उस चीज़ को मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, जो आप सारा कुछ उसमें नोट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको अभी दिखाते हैं कि ये किस सारा कुछ में, शायद प्रतिभा जो भी है पत्थर में सारा कुछ निकासी करी गई है और लिखा गया हुआ कि 1 2 3 4 वाह 6 7 8। अब इसको देखते हैं कि शुरुआत कहाँ से है, क्योंकि वो हमें ढूंढना पड़ेगा। और हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस पत्थर पे मार्बल पे ये है, ये जो मार्बल जो है पीछे की तरफ जो ये लिखा पड़ा हुआ है, ठीक है, इस पर सारा कुछ मायावती के ज़माने का सारा कुछ लिखा हुआ है, जो हम आपको दिखाते हैं और आप लोगों को आप सारा कुछ पढ़ सकते हैं। इसके मैं एक डाल दूँगा कि कैसे क्या है और कहाँ से है, फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। हाँ, फर्स्ट ये रहा जो मैं आपको सारा कुछ आज मैं वीडियो में दिखाऊँगा और जिसमें सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं, बाकायदा सब कुछ इस पर लिखा हुआ है। नक्काशी जो करी गई है बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि पत्थर में खोद के और तराशा गया। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि बहुत बढ़िया यहाँ पे है ये सब चीज़ें। और शुरुआत से मैं आपको सब डाल देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। अंबेडकर पार्क लखनऊ पार्ट 3। मेरी वीडियो पार्ट 3 देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जो वीडियो में स्तंभ मैंने आपको लास्ट के टाइम पे दिखाया है, अगर उसकी पूरी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक अपना दे दिया है, उसके तहत आप जाकर के वहाँ पे क्लिक कीजिए और पूरी जानकारी विस्तार से पढ़ लीजिए। धन्यवाद।